बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर एम आर एन आर राणा, मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। और फैमिली फिजिशियन जो डॉक्टर होता है वो ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा काम करता है, फ्रंट लाइन पे बहुत काम करता है। आजकल हमारे पास जो जितने फैमिली फिजिशियन हैं वहाँ पे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनके नाक से, नोज से, होंठों से उनके खून बह रहा है, गले से भी उनके खून निकल रहा है, और साथ साथ उनको ऐसे झटके लगते हैं जैसे किसी ने बिजली का झटका लगा दिया गया हो। तो ये जो बीमारी है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ पानी की कमी की वजह से है, हवा में नमी की कमी है जिस वजह से ये हो रहा है, और उसी वजह से हमारे जिस्म पे ये असरअंदाज हो रहा है। यानी कि आप पानी ज़्यादा ज़्यादा पीजिए। कम से कम एक बड़ा बालक बंदा जो है, इंसान जो है, वो 8 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करे, और मॉइस्चर के लिए वो वैसलीन इस्तेमाल करे। उससे उसका जिस्म भी नरम हो जाएगा और मॉइस्चर भी आ जाएगा, और पानी की वजह से उसके जो पानी कमी आती है उसके जिल्द में, जिस्म में, वो पूरी हो जाएगी। और आपका वो बीमारी है जिसको आप बहुत बड़ी बीमारी समझ रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन पानी की कमी की वजह से है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि नोज से खून आना, होंठों से खून आना या गले से खून आना, ये ऐसी है। हाँ, लेकिन अगर आप इस पे आप अमल दरामद नहीं करेंगे, पानी नहीं पियेंगे, तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। ये एक है। दूसरे नंबर पर आज का कोरोना जो है उसकी तीसरी लहर आई है और बहुत ज़बरदस्त आई हुई है और इंतहाई ख़तरनाक है। अब तो इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बहुत से बच्चे आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई है और वो ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए हैं। आपसे गुजारिश है सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें, और घर का सिर्फ एक फ़र्ज शॉपिंग के लिए जाए, ना कि पूरा ख़ानदान घर से निकल के जाकर शॉपिंग करने के लिए चले जाए। ये आपके लिए बेहतरी है, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरी है। और ये मत पूछिएगा कि अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, जी हमें कोरोना का खौफ कहाँ पे है, पर वायरस भी कभी नज़र आता है। ये तो ख़ास किस्म की माइक्रोस्कोप से, खुर्दबीन से देखा जाता है कि ये क्या चीज़ है। ये आपके आप भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश है कि आप इस SOPs पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें, और घर से निकलें तो एक बंदा ही निकले शॉपिंग करने के लिए, ना कि पूरी फैमिली निकले। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसमें एक और तीसरी बीमारी भी आजकल ग्रास रूट पे बहुत वायरल है, वो है पोलन वायरस। पोलन वायरस जो होती है वो एलर्जी होती है, वो आँखों की जिस्म पर भी हो जाती है, चेहरे पर भी हो जाती है। वो अक्सर जो आजकल हमारे बाहर के जो पौधे, इंपोर्टेड जो पौधे हैं ना, प्लांट्स हैं, उनके साथ आई हुई है। वो पाकिस्तान में काफ़ी है, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके जहाँ पर ये पौधे लगाए गए हैं, बाहर के पौधे लगाए, वहाँ पर ये पोलन वायरस बहुत ज़्यादा हुआ है। ये इसलिए आपके लिए, इसके लिए हदायत है कि आप दिन में 3 से 4 बार अपना हाथ मुंह धोएं और मास्क इस्तेमाल करें। मास्क आपको कई बीमारियों से बचाता है, और कोरोना से भी बचाता है, पोलन वायरस से बचाता है, और मॉइस्चर जो आप में कमी आ जाती है मॉइस्चर की, उससे भी काफ़ी बचत देता है। मॉइस्चर को ज़ाहिर नहीं होने देता, आपका स्किन जो है वो फेयर रहती है। बहुत बहुत मेहरबानी, ये मेरा मैसेज था, आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ बनता था। आप इस पर अमल दरामद कीजिएगा, अल्लाह ताला को याद कीजिएगा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, खीरा और स्ट्रॉबेरी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा तो वो इस्तेमाल करें, खरबूजा इस्तेमाल करें, तरबूज इस्तेमाल करें। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।